और अब बात करते हैं कनाडा में आए राजनीतिक तूफान की। भारत के साथ तल्ख रिश्तों के बीच जस्टिन ट्रूडो अपनों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर कुर्सी का भूत सवार है। ऐसा लगता है कि सत्ता के मोह में अब उन्हें कुछ और दिखाई नहीं पड़ता, न देश की परवाह न पार्टी की परवाह। पहले जस्टिन ट्रूडो ने अपनी सरकार बचाने के लिए भारत से पंगा लिया, फिर खालिस्तानी प्रेम दिखाया, लेकिन अब वो खुद को मसीहा समझ रहे हैं। भरी सभा में बेइज्जती हुई, लिबरल सांसदों के ताने सुनकर भावुक हुए, आंखें नम भी हुई, लेकिन फिर भी उनकी अकड़ कम नहीं हो रही है। ट्रूडो का वो फैसला जो बगावत की वजह बना, जरा सुनिएगा। जस्टिन ट्रूडो ने साफ कर दिया कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे और लिबरल पार्टी का नेतृत्व करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने हटभरा फैसला ऐसे वक्त में लिया जब उनकी लोकप्रियता लगातार गिर रही है। कनाडा में लिबरल पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है। भारत के साथ खराब हुए रिश्तों से न सिर्फ भारतीय बल्कि कनाडा के पीएम ने, कनाडा के सांसद, हर कोई नाराज, जो कि लगातार जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि बढ़ते हुए दबाव के चलते ट्रूडो अगले चुनाव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब कनाडा पीएम ने हर तरीके के कयास पर विराम लगा दिया। ट्रूडो ने नाराज सांसदों के साथ बैठक की और साथ ही ये भी कहा कि मेरी सबसे बात चल रही है, एक साथ मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे हाउस ऑफ कॉमन्स के 153 लिबरल पार्टी सदस्यों का बहुमत मिला है और मैं चौथी बार के लिए तैयार। उनके स्टेटमेंट से यह साफ है कि वो अगले चुनाव में लड़ेंगे और फिलहाल इस्तीफा देने का उनका कोई इरादा नहीं है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो किसी भी हाल में अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहते और इसी वजह से नाराज सांसदों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। बुधवार को 3 घंटे तक उन्होंने अपनी पार्टी के नाराज सांसदों के साथ बातचीत की और ये बैठक ऐसे वक्त में ट्रूडो ने की जब उन्हीं की पार्टी के 24 सांसदों ने चुनाव से पहले उनको पद छोड़ने वाले मांग वाले पत्र पर दस्तखत कर दिए थे। मचली के सारी कनाडा ही ट्रूडो से भरा हुआ है। वहाँ पे सच बोलने वाले, सच सुनने वाले और ठीक सोचने वाले भी लोग हैं, तो उन्होंने, और ट्रूडो को की ऑपोजिशन है, सब नहीं सपोर्ट कर रहे, सब नहीं खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे वहाँ पर, तो वह उनसे ऑपोजिशन आएगी ट्रूडो की। सच्चाई थोड़ी छुपाई जा सकती है, सच्चाई तो उभर के कहीं ना कहीं तो आएगी, तो फिर वो इस तरीके से वो आ रही है। और ट्रूडो को लोग कह रहे हैं कि वी डोंट वांट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर एनीमोर। कनाडा में अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन लिबरल पार्टी में बगावत तेज होती जा रही है और अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार गिर सकती है या फिर तख्ता पलट हो सकता है। पार्टी के बागी सांसदों ने ट्रूडो को 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी। नाराज नेताओं ने ट्रूडो से कहा कि या तो पद छोड़ दें या फिर विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहें। मीडिया रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि ट्रूडो की पार्टी के 24 सांसदों ने पीएम को चुनाव से पहले हटाने की मांग की। इसके लिए एक मांग पत्र पर दस्तखत भी कर दिए हैं और इस मांग पत्र को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पत्र में सांसदों ने ट्रूडो से अगले साल के आम चुनाव में हार के खतरे को देखते हुए चुनाव से पहले इस्तीफा देने की मांग कर दी है। सांसदों ने ट्रूडो से कहा कि वो चौथी बार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल ना हो। पिछले 100 सालों में किसी भी कनाडाई नेता ने चौथी बार चुनाव नहीं जीता है। ट्रूडो के सामने ये चुनौती ऐसे समय पर आई है जब उनकी सरकार खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ एक बड़े राजनयिक तनाव में फंसी हुई है। ट्रूडो के निज्जर वाले दावों की पोल उनकी मीडिया खुद खोल चुकी है और उधर एनआईए ने कनाडा से निज्जर का डेथ सर्टिफिकेट मांगा तो सरकार ने उसे देने से इनकार कर दिया। साफ बात है कि खालिस्तानी प्रेम और सिख वोट बैंक के चलते ट्रूडो ये चाल चल रहे हैं। देखिए, ये धंधा है। धंधा इस तरह से है कि जो वाहेगुरु की जगह होती है गुरुद्वारा, कुछ गुरुद्वारों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां से जो पैसे आते हैं उसको गलत ढंग से ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन भारत को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए। और ये पता उनको भी पता है, ये बात उनको भी पता है, मुझको भी पता है, बताया भी गया है। और ये चंद लोग हैं, लेकिन इनके पास मनी पावर है, इनके पास मसल पावर है, इनके पास पावर टू इंटिमिडेट। तो ये और जो भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हैं उन लोगों को इंटिमेट करते हैं, डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो इनकी संख्या कुछ बढ़ जाती है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार तो बहुमत उन्हें दिला नहीं पाए, लेकिन वो भारत को आंख दिखाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल अभी कनाडा के संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के 153 सांसद हैं। नंबर गेम जरा समझिए। कनाडा के हाउस में कॉमन्स में 338 सीटें हैं और इसमें बहुमत का आंकड़ा 170 का है। इस महीने की शुरुआत में ट्रूडो सरकार की सहयोगी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने समर्थन को वापस ले लिया था। एनडीपी खालिस्तानी समर्थक कनाडाई सिख सांसद जगमीत सिंह की पार्टी है। अब कनाडा में क्योंकि गठबंधन टूटा जिस वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई।
हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का सपोर्ट मिला। इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट को पास कर दिया और यही वजह है कि 24 लिबरल सांसदों की बगावत के बीच अब ट्रूडो ये दम भर रहे हैं कि वही पार्टी का चेहरा होंगे। जस्टिन ट्रूडो पिछले 9 सालों से सत्ता में है। कनाडा के इतिहास में पिछले एक सदी से भी अधिक समय में कोई भी कनाडाई प्रधानमंत्री लगातार 4 बार चुनाव नहीं जीता। जस्टिन ट्रूडो अपने नाम ये कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। चुनाव से पहले कनाडा में जो सर्वे आए वो उनके पक्ष में जाते हुए दिख नहीं रहे, जिसके पीछे की असली वजह खालिस्तानी प्रेम, भारत से विवाद और देश में अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम करने वाला फैसला। बहरहाल राजनीति है जो अपना काम कराएगी।